हाय गायत्री, कैसे हो आप? हेलो मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आप किस लिए आए हो आज यहाँ पर? मैम मेरा पोर्टफोलियो था, उसकी गारमेंट्स लेने आई हूँ मैं अपने। ओके ठीक है। सो गायत्री, टेल मी वन थिंग, आपको अभी तक SIB मतलब कैसे पता चला SIB के बारे? एक्चुअली मुझे यूट्यूब से पता चला था, मैंने वीडियो देखी थी ऋतिक सर की, फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे एड भी देखा था, तो वहाँ से मुझे पता चला। स्टार्टिंग में तो ये लग रहा था कि ऑनलाइन कोर्स है, कैसे मैं सीखूंगी, और मैंने कभी कुछ करा भी नहीं है, मैं फ्रेशर थी एकदम, तो बहुत डर लग रहा था कि हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। नो मैम, बिल्कुल नहीं आती थी, कुछ नहीं आता, सब यही सीखा है मैंने। आपको क्या लगा था, मतलब कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यस मैम, डाउट तो था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि बाकी और बच्चों ने भी करे हैं अब तक, जो भी बैच थे, तो मैं भी कर ही लूंगी फिर। चलो वेरी गुड। एंड आपको जब आप अपना कोर्स कर रहे थे, सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स क्या थे, सबसे ज़्यादा पसंद क्या आता था और सबसे लीस्ट फेवरेट क्या था? हैप्पी मोमेंट तो वो था जब मैं कुछ भी काम करती थी और मैम कहती थी बहुत अच्छा करा है तुमने। अच्छा, एप्रिसिएशन हमें। यस मैम, वेरी गुड। एंड सबसे मतलब ऐसा लीस्ट फेवरेट कौन सा टॉपिक? लीस्ट फेवरेट तो आई थिंक जो गारमेंट्स को बनाना ना, वो उनमें फिनिशिंग वगैरह अच्छी नहीं आती थी मेरा, कभी वो गलत कट जाता था कपड़ा, कभी कुछ गड़बड़ जाती थी उसमें, तो वो तो फिर आपने वो ठीक कैसे करा? प्रैक्टिस कर करके, और दीपाली मैम से मेरे जो लाइव सेशन में वो मेरे को बताती रहती थी कि ऐसे करो वैसे करो, वो चीज़ें ऐसे करो, तो मतलब मिस्टेक्स होती थी लेकिन आपको फुल सपोर्ट मिला। यस, दीपाली मैम एक एक चीज देखती थी, इसमें ये गलती है, वो बताती थी तुरंत मेरे को कि ऐसे ठीक करो, इसे वैसे ठीक करो। ठीक है। एंड फैमिली से फुल सपोर्ट था आपको? यस मैम, उनसे फुल सपोर्ट था। वंडरफुल। मुझे तो पूरा ये कोर्स बहुत अच्छा लगा, जो किट मिली मेरे को उसमें भी सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, आपको बाहर से कुछ लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ किट में मिल रहा है और अपने बजट में मिल रहा है कोर्स। एंड आपको क्या लगता है, जो गायत्री कोर्स से पहले थी और कोर्स करने के बाद थी, उसमें कोई चेंज आया है? बहुत चेंज आया है, इतना कुछ मैंने सीख लिया, मुझे 6th या 7th month थी और मैंने इतना सब कुछ सीख लिया है पूरा। कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हुआ पहले? यस मैम हुआ है। मैंने सब कुछ यहीं पर ही सीखा है, इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे पता भी नहीं था फैशन डिजाइनिंग होता क्या है। एंड जब आप कोर्स ज्वाइन भी कर रहे थे तो आपको क्या लगा था, क्या क्या सिखाएंगे? मुझे वैसे मैंने बात हुई थी उनसे, मैंने सब पूछा था, तो उन्होंने मेरे को जो जो बताया वो सब सिखाया है। चलो दिस इज टू वेरी गुड। बाकी आपने एक्स्ट्रा वर्कशॉप वगैरह अटेंड करी है? हाँ मैंने लहंगे की वर्कशॉप ली है। कैसी लगी थी आपको? वो भी बहुत अच्छी लगी मेरे को। वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको कभी भी कोई डिजाइन बनाना होगा, कोई भी अपना ड्रीम गारमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप बना पाओगे? यस मैम बना लूंगी। वेरी नाइस। मैं तो कहूँगी आप स्किलिनाबॉक्स से करें, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, बजट में भी मिल रहा है, आपको किट भी मिल रही है और लाइव सेशन भी होते हैं, एंड टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ आपको बताते हैं, गाइड करते हैं, छोटी छोटी चीज़ बताते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ तो करना चाहिए आपको यहाँ से। आपको अपनी कलेक्शन देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। Did you like खुशी हो रही है। Yes, Did you like the portfolio shoot? Yes, ma'am. लग नहीं रहा कि मैंने बनाया। Very good actually. काफी अच्छा काम करा है। The color combination, the designs काफी अच्छे से करे थे। तो ऐसे ही आप अच्छा काम करते रहो, ठीक है? And work with us also and keep making us proud. Thank you, ma'am. Skillinabox के साथ दी अपने सपनों को उड़ान, घर बैठे शुरू करें अपनी ऑनलाइन दुकान।